एक्टर विजय सेतुपति इन दिनों अपने आने वाली मच अवेटेड थ्रिलर फिल्म मेरी क्रिसमस के प्रमोशन में बिजी हैं। श्री राम राघवन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कैटरीना कैफ भी मेन लीड में है। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विजय ने टाइगर 3 एक्ट्रेस के साथ काम करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। जी हाँ, उन्होंने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कैटरीना कैफ के साथ काम करूंगा। मैं कैटरीना का बहुत बड़ा फैन हूँ। जब मैंने उन्हें पहले दिन देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बता नहीं सकता। वह एक बहुत ही थॉटफुल एक्ट्रेस हैं। उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत सोचती हैं, वो बहुत ही डेडिकेटेड होती हैं किसी भी सीन को लेकर। वह रोज अपने घर से एक नया थॉट लेकर आती थी और वह उसे अपनाने के लिए पूरी तरीके से रेडी रहती थी। भले ही वो आपके थॉट्स को एक्सेप्ट ना करे, करेंगी वो अपने मन का ही, फिर भी वो आपकी बात जरूर सुनेंगी। वह एक विचार रखेंगी और सीन को बेहतर बनाने के लिए काफी कड़ी मेहनत करती हैं। इसलिए वह इंडस्ट्री में अभी तक है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो खूबसूरत है, बल्कि इसलिए भी कि वह एक बहुत ज्यादा समझदार एक्ट्रेस है। सिर्फ खूबसूरती के दम पर आप इतने लंबे समय तक किसी भी इंडस्ट्री में नहीं टिक सकते। समझदारी और धैर्य होनी चाहिए। मुझे ये तब महसूस हुआ जब मैं उनके साथ काम कर रहा था। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने कैटरीना कैफ के बारे में, आप खुद ही सुनिए। With Katrina, really, I don't know how to take this. I never expect that I'll work with this actor, and I'm a very big fan of Katrina. And then it was like, so I was very happy when I see her on first day. Oh, Katrina, okay, hi. So I couldn't express it. Suppose if there is another person inside me who can come out and dance, he would have danced in front of Katrina like so much. So it didn't happen there. And then she is very thought process actor. She asks so much questions, she thinks too much. But she is very dedicated and she's trying to understand. She may come up with an idea, but she is very adaptable. She understands you. And if even if she can't accept your thoughts also, she will listen to you. And then she'll put a lot of effort with so much of sensibility. To make the scene better. That's why she is in the industry. Not only she is so beautiful, she is so sensible. That's what I believe. Just a beauty can't survive for so many years. It's sense and then understanding should be there, I felt it when I was working with. Because I'm a person, I read my co-actors, I read my cameraman, I sense my set, and then I understand my director's vision. I try to crack their minds, then only I can go and fit it there. Otherwise, I'll be separate out of the setters. So, as far as my understanding, she is very sensible. हालांकि कैटरीना ने जवान एक्टर के साथ अपनी पहली मुलाकात को भी याद किया। उन्होंने कहा, हमारी पहली मुलाकात हम तीनों, यानी कैटरीना कैफ, विजय सेतुपति और फिल्म के डायरेक्टर श्री राम राघवन, एक साथ एक कमरे में हमारी मुलाकात हुई थी। और मैंने हाल ही में विजय सर की एक तस्वीर देखी थी और उनके पूरे सफेद बाल और सफेद दाढ़ी थी। इसलिए जब मैंने रूम में एंटर किया, मैं मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। और जब मैंने उन्हें इस तरह देखा तो मैंने कहा, अरे वाह, ये तो रियल में अलग लुक में है। इस फिल्म के बारे में मेरे लिए सब कुछ। मैं श्री राम सर और विजय सर के साथ काम करने के लिए बेहद एक्साइटेड थी। और जैसा कि जैसे ही हम एक कमरे में एक साथ आए, मुझे लगता है कि हर कोई अपने जैसे ही आया और हम तुरंत जुड़ने में सक्षम हो गए। जैसे ही विजय सर ने सीन के बारे में बोलना शुरू किया तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मैंने बस सोचा कि ये वो व्यक्ति है जो चीज़ों का उपयोग अच्छी तरीके से कर सकता है, एक अनोखा तरीका। और श्री राम सर जो कुछ भी करते हैं उस पर उनका विजन बहुत ही अनोखा होता है। तो फिर क्या था, मैंने तुरंत ही इस फिल्म के लिए हाँ बोल दी। मुझे इन दोनों ही कलाकारों पर पूरी तरीके से भरोसा था। हालांकि आपको बता दें कि मैरी क्रिसमस की बात करें तो निर्माताओं ने हाल ही में फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया था, जिसे फैंस से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। जी हाँ, फिल्म को अलग अलग सपोर्टिंग एक्टर्स के साथ दो भाषाओं में शूट किया गया है। हिंदी लैंग्वेज में संजय कपूर, विनय पाठक, प्रतिमा कन्नन और टीनू आनंद भी हैं। दूसरी ओर तमिल में राधिका शरत कुमार, शनमुग राजा, केविन जयबाबू और राजेश विलियमसन समान भूमिकाओं में हैं। डायरेक्टर श्री राम राघवन के साथ काम करने के अनुभव को शेयर करते हुए एक्टर कैटरीना कैफ ने पहले कहा था कि श्री राम राघवन के साथ काम करना उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। मैं उस अवसर को पाकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी
और अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही थी। श्री राम राघवन सर एक अविश्वसनीय दिमाग वाले एक बहुत ही विजनरी डायरेक्टर हैं और उनके सेट पर होना एक पूरी तरीके से एक अलग दुनिया में एंट्री करने जैसा है। वो एक फिल्म निर्माता और एक व्यक्ति दोनों के रूप में ही एक अद्भुत व्यक्ति हैं। ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, खासकर दो भाषाओं में फिल्म बनाना। हम सभी पहले दिन से ही इस फिल्म को बनाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे और इसके लिए बहुत एक्साइटेड होना भी चाहिए क्योंकि ये फिल्म बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स से मिलकर बना है। हालांकि आपको बता दें, मेरी क्रिसमस 12 जनवरी 2024 को रिलीज होने वाली है। अब देखना ये होगा कि कटरीना कैफ, विजय सेतुपति और श्रीराम राघवन की ये जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है। धन्यवाद जुड़े रहिए ऐसी बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बॉलीवुड केसरी के साथ।